Back students to your SST class. So now it's time for the exercise solving of the exercise. So chapter number 4th we have done with the explanation part. Explanation is ka ho gaya hai aur ab hume jo karna hai wo hai exercise solve. Okay, so here is the exercise. Total 5 questions hai iske. Complete the following chart, write the meaning, find out and write about these personalities and the work in your own words. और 5th question ऐसा total 5 questions है. सो इसका एक्सरसाइज आज हमें सॉल्व करनी है. सो मैं उसका आंसर्स आपको बताती हूँ. आपको वो आपके CW में कॉपी करना है एक्सरसाइज, और CW में होने के बाद आपको वर्कबुक भी सॉल्व करनी है. अगेन एंड अगेन रिपीटेडली मैं आपको बता रही हूँ कि कीप योर नोटबुक्स एंड वर्कबुक कंप्लीटेड बिकॉज इट हैज मार्क्स. सो प्लीज कीप इट कंप्लीट. जिसका भी कंप्लीट नहीं होगा दे वोंट बी गेटिंग द इंटरनल मार्क्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. व्हाट इट मींस ऑफिसर्स एंड एग्जांपल्स विलेज कस्बा एंड पारगना. सो नाउ लेट्स सी इट्स आंसर. सो हियर इज द टेबल. यू कैन सी द आंसर इज बीन गिवन. अब यहाँ पे देखो कि गलती से वो विट इट मीन्स हो गया है, वो वॉट इट मीन्स है. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है वहां पे. यहाँ पे देखो वॉट इट मीन्स है. सो गलती से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. सो प्लीज उसको करेक्ट करो. और विट नहीं है वो, WHAT वॉट है. ओके, सो वॉट इट मीन्स स्मॉल विलेज. कस्बा बिग विलेज. पारगना ग्रुप ऑफ विलेज. ऑफिसर्स कौन है मौजा के? पाटिलाल कुलकर्णी. कस्बा के शित एंड महाजन. पारगना के देशमुख एंड देश पांडे. एग्जाम्पल विलेज बावधन. कस्बा वई. पारगना पुणे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मीनिंग. बुद्रुक बलूत एंड वतन. इन तीनों के मीनिंग लिखने हैं. सो here you can see Budruk means to indicate two village are separate. The Budruk and Khurd were used. The original village was named as Budruk and the new village was known as Khurd. Example Vadgaon Budruk and Yadgaon Khurd. Okay, next Baluta. There was a village artisans with hereditary right regarding the occupations. The artisans rendered its service to the villages, and in return the farmer tenants gave a share of the agricultural produce. This share was known as baluta. So ye dono ke meanings hain. Next vatan. So vatan means dekho. The term vatan is Arabic. In medieval Maharashtra, it meant hereditary and permanent right for which the holder need to pay any revenue. Next Topkar. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Topkar नहीं है, but यहाँ पे मैंने extra में दिया है ताकि exam में आ सकता है. So extra में वो लिखो. Topkar means the Europeans used to wear different types of headgears. They were described by the native people as Topkar. Next question number 3. Find out and write. First one, people from Africa who had settled along the Konkan coastline. So iska answer questions ke sath yahan pe hai. Just a minute. People from Africa who had settled along the Konkan coastline. So कौन थे वो? The Siddhis of Africa. The author of Amrutanubhav. Amrutanubhav किसने लिखी? संत ज्ञानेश्वर. संत तुकाराम प्लेस. कहाँ के थे संत तुकाराम? देहू विलेज जो कि पुणे में है, नियर पुणे. He composed Bharud. Bharud किसने बनाया? संत एकनाथ.
ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस किसने बताया? रामदास स्वामी. वुमन संत, वुमन संत में कौन कौन थे? संत सूर्याबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत बहिनाबाई, संत सूरकर. ओके, सो ये सारे वुमेन सेंट्स थे. नेक्स्ट, राइट अबाउट दीज पर्सनालिटी एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड्स. अब संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ एंड संत तुकाराम के बारे में लिखना है. एक्चुअली वो ओन वर्ड्स में लिखना है, सो सेल्फ स्टडी में दे सकते हैं, बट फिर भी मैं फिलहाल के लिए आंसर दे रही हूँ. सो सी, संत नामदेव. संत नामदेव, अ ग्रेट सेंट, लेड द फाउंडेशन ऑफ द वारकरी मूवमेंट. ही वॉज अ वर्सटाइल कीर्तनकर एंड स्किल्ड ऑर्गेनाइजर. ही कम्पोज मेनी अभंगस, डिवोशनल वर्सेस. ही ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज इन महाराष्ट्र टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ भगवत भारम एंड इक्वालिटी. ही ट्रेवल्ड टू पंजाब एंड हिज हिंदी डिवोशनल वर्सेस वर इंक्लूड इन गुरु ग्रंथ साहिब. ही बिल्ड अ मेमोरियल ऑफ संत चोखा मेला एट पंढरपुर. सो ये मैंने आंसर पॉइंट में दिया है, सो आपको भी पॉइंट में लिखना है ताकि वो लर्न करने में और याद रखने में इजी होता है. ओके, नेक्स्ट, संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर वॉज द फाउंडर ऑफ द वारकरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र. हिज ट्रांसलेटेड भगवद गीता इंटू भवर्था दीपिका और ज्ञानेश्वरी इन सिंपल मराठी. He also composed Amrut Anubhav and wrote many Abhangas and preached Bhakti Marg, the way of devotion to the common people. Pasayadan, composed in Vyaneshwari, uplift the mind. Though his life was spent in a very adverse circumstances, he never lost calm of his mind or never harbored bitterness. Okay, next. Sant Eknath. Sant Eknath was a prominent sant associated with Bhakti movement. He had composed many bharuds, abhangas and gavlans to preach the importance of devotion. He portrayed a life of common people in his work of Bhavartha Ramayana. He maintained that there was no need to renounce worldly mates to attaining Paramarth, the height through his own conduct. He was proud of Marathi language and stated that it was not inferior to Sanskrit. Next, Sant Tukaram. Sant Tukaram composed Tukaram Gatha, which is precious treasure of the Marathi language. The Abhanga composition were very pleasing and looked reaching the greatest poetic height. He preached that the way to reach God was by loving the Hanabi and the tormented ones. He put his idea into practice by driving the papers in Indrayani River related to loan given to the people. He criticized hypocrisy and blind faith and tried to link bhakti devotion with morality. He faced the wrath of the orthodox who were opposed to his efforts to create awakening among the people and threw his abhangas in river Indrayani. So next, yahan pe ye ho gaya. Ab why were droughts a great calamity for the people? Okay, iska answer dekhenge. Why were drought a great calamity? See, यहाँ पे ड्रॉट की जगह पे मैंने फेमाइन वर्ड यूज किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो ड्रॉट एंड फेमाइन एक ही है. सो अब फेमाइन आया तो भी वही आंसर लिखना है, ड्रॉट आया तो भी वही आंसर लिखना है. ओके, सो
A famine, yani ki drought, was the worst calamity for the people because a great famine or a drought of 1630 CE in Maharashtra caused acute shortage of food grains and forced people to migrate to far away regions in search of a living food. Entire female cattle and farms, animal dead. It devastated agriculture and industry. All of financial transactions come to a standstill. It was a great challenge to bring back normalcy after devastation caused by the famines or droughts. So इसका answer है. So यहाँ पे देखो answer in one sentence आपके textbook में नहीं है, but फिर भी extra के लिए मैंने दिया है, आ सकता है, इसलिए आपको ये भी copy करना है as extras. Okay? Whose Hindi devotional verses with include in the Guru Granth Sahib? Hindi verses composed by Sant Namdev will include in the Guru Granth Sahib. Who spread the message of Bhagavad Dharma all over Maharashtra? Sant Namdev spread the message of Bhagavad Dharma all over Maharashtra. Who arrested the Marathi language was not included. Who asserted the Marathi language was not included than Sanskrit? Sant Eknath asserted the Marathi language was not included than Sanskrit. So यहाँ पे हमारी exercise solving खत्म हो गई है. In the next class we will start with a new topic.